हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी, जिसे कि आम भाषा में संतानहीनता या निसंतानता भी कहा जाता है। अ कपल इज कॉल्ड इनफर्टाइल इफ दे आर नॉट एबल टू कंसीव विद इन वन ईयर ऑफ ए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब पहली प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही यदि दिक्कतें आ रही हैं तो इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और कई बार एक प्रेगनेंसी होने के बाद, चाहे वह सक्सेसफुल डिलीवरी हो या अबॉर्शन हो, उसके बाद प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें आती हैं, इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी अफेक्ट्स 1 in 7 कपल्स एंड नाउ अ डेज इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी स्टरिलिटी इज इंक्रीजिंग। दैट मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। महिला का एग, जिसे कि ओवम कहा जाता है, किसी भी एक ओवरी से रिलीज होता है और यह एग, इस फैलोपियन ट्यूब, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, यह एग फिम्ब्रिया से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसी तरह मेल ओवम, जिसे कि स्पर्म्स कहा जाता है, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स और यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है, फिर यह प्रेगनेंसी यूट्रस में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह प्रेगनेंसी होने के लिए मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स का नॉर्मल होना ज़रूरी है। फीमेल में इनफर्टिलिटी होने के कारणों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कारण या तो ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओवम नहीं बन रहा है, या फिर फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। तो ओव्यूलेशन में दिक्कतें आने का कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, या तो LH, FSH, एस्ट्रैडियोल, इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस है बॉडी में, इसकी वजह से एग्स नहीं बन पा रहे हैं। एक सबसे कॉमन कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे कि PCOD कहा जाता है। इसके अलावा एडवांस एज, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज में ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। और दूसरे कारणों में है स्ट्रेस, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, ये सब कारणों की वजह से ओव्यूलेशन होने में दिक्कतें आती हैं। कोई ईटिंग डिसऑर्डर होने से, जैसे कि बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा होने से भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा BMI यानी बहुत ज़्यादा ओबीज होने पर, या बहुत कम BMI यानी बहुत ज़्यादा थिन होने पर भी ओव्यूलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। फैलोपियन ट्यूब का डैमेज होना या फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होने का कारण होता है पेल्विक इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन वेजाइना और यूट्रस के थ्रू ट्यूब्स में पहुंच सकता है और ट्यूब्स को डैमेज करके ब्लॉक कर सकता है। इन्फेक्शंस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा कारण फैलोपियन ट्यूब डैमेज होने का है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मेजर causes of infertility nowadays. Other causes may be congenital anomaly, uterine causes, मतलब uterus से संबंधित causes में congenital anomalies हो सकती हैं, जैसे कि subseptate uterus, septate uterus, unicornuate uterus, bicornuate uterus, मतलब एक की जगह दो बच्चेदानी का होना। इसके अलावा बच्चेदानी में गठान होना, जिसे कि फाइब्रॉइड कहा जाता है, मेनली जो बच्चेदानी में अंदर की तरफ होते हैं और बच्चेदानी की दीवार में होते हैं, यानी सबम्यूकस एंड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, पॉलिप्स होना, और किसी पहले की DNC या किसी सर्जरी की वजह से यूट्रस के अंदर एडिशंस होना, ये सारे यूट्राइन कॉजेज हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के जो मेन कारण है वो है स्पर्म्स में डिफेक्ट होना, या तो स्पर्म्स का काउंट कम होना, आइडियली ये 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होना, या स्पर्म्स का फॉर्म नॉर्मल नहीं होना, एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा होना, इसका मेन कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर स्पर्म के पैसेज में ब्लॉक होना, यानी कि वास डिफरेंस में ब्लॉक होना। तो डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के कारणों में मेन कारण होता है हार्मोनल, मेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हो सकता है। दूसरा है लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, ड्रग्स, इसके अलावा इन्फेक्शंस लाइक मम्स, गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे काम करने की वजह से भी स्पर्म्स पे असर पड़ सकता है।
एंड वेरिकोसील. वेरिकोसील मतलब स्क्रॉटम के पास में जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्पर्म्स पे असर होता है. कंजेनाइटल एनोमलीज लाइक अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड हाइपोस्पाडियाज आर ऑल्सो द रीज़न फॉर डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस. इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं. अगले वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.